हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 4। क्या है सम नंबर 4? अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 9। क्लास 9 के 220 स्टूडेंट्स की हॉबीज क्या-क्या है, इसके लिए एक सर्वे किया गया। ओके, तो देखिए, आउट ऑफ व्हिच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज अ रॉक क्लाइंबिंग। देखिए, 220 में से 130 स्टूडेंट्स ने कहा कि उनका हॉबी है रॉक क्लाइंबिंग। ओके, 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी अबाउट स्काई वॉचिंग। 180 स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने कहा स्काई वॉचिंग इज देयर हॉबी। ओके, देखिए, 220 में से 130 ने कहा रॉक क्लाइंबिंग, 180 ने कहा स्काई वॉचिंग, एंड देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबी। और 110 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्हें दोनों भी हॉबीज पसंद है, मतलब जो दोनों भी पसंद करते हैं, क्लाइंबिंग द रॉक एज वेल एज वॉचिंग द स्काई। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ टू हॉबीज। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनको एक भी हॉबी नहीं है, मतलब इन दोनों में से एक भी हॉबी नहीं है, तीसरी हो सकती है पर स्काई वॉचिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग में से, रॉक क्लाइंबिंग दोनों में से एक भी हॉबी नहीं है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? देन हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबीज ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनकी हॉबी सिर्फ स्काई वॉचिंग है। देखिए, बहुत इजी है ये, सिर्फ दिखने में बड़ा है पर सॉल्व करने में बहुत इजी और बहुत छोटा भी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आप हमेशा पहले वेन डायग्राम ड्रॉ कीजिए, इजी होगा। सी, तो ये रहेगा हमारा यूनिवर्सल सेट। चाहे तो पहले हम लोग सेट के नेम राइट करते हैं, राइट करते हैं, लेट यू बी द सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, आफ्टर दैट देखिए, आर जो सेट है उसके लिए आर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैव अ हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। तो यहां पे राइट करेंगे, आर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हैविंग हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग हॉबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेट है आर। देन स्काई वॉचिंग, सो एस फॉर स्काई, तो यहां पे राइट करेंगे एस बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी स्काई वॉचिंग। ओके, अब इनके नंबर्स हमें दिए गए हैं, तो चलिए हम लोग नंबर्स राइट करते हैं। नंबर ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 220। ओके, नंबर ऑफ आर, रॉक क्लाइंबिंग हॉबी वाले स्टूडेंट्स कितने बोले गए हैं? 130। तो चलिए यहाँ पे राइट करते हैं 130। नंबर ऑफ एस, स्काई वॉचिंग, स्काई वॉचिंग कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 180। एंड देखिए, 110 स्टूडेंट्स वो फॉलो बोथ द हॉबीज, दोनों हॉबीज है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 110। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी दोनों भी हॉबीज है, उनके से उनका सेट कौन सा बनेगा? इंटरसेक्शन,
बिकॉज ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो स्काई वॉचिंग में भी है एंड रॉक क्लाइंबिंग में भी है, तो दोनों के ये कॉमन स्टूडेंट हो जाएंगे, राइट? तो बोथ, ये जो ये वर्ड जब भी आता है तब आपको इंटरसेक्शन बनाना है. तो देखिए यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 110. ओके, अब देखिए सबसे पहले हम लोग इनकी वेन डायग्राम बनाते हैं. देखिए वेन डायग्राम के लिए क्या होगा, ये रहेगा हमारा यूनिवर्सल सेट U, जिसमें हम लोग और टू सर्कल्स बनाएंगे. एक होगा रॉक क्लाइंबिंग के लिए एंड दूसरा होगा स्काई वॉचिंग के लिए. देखिए यूनिवर्सल सेट नंबर ऑफ U कितना है, 220, वो यहाँ पे राइट करेंगे. ये रहा R सेट, ये रहा S. नंबर ऑफ R कितने हैं, 130, ये रहे यहाँ पे 130. नंबर ऑफ S कितने हैं, 180, ये रहे यहाँ पे 180. R इंटरसेक्शन S कितने हैं, 110. दोनों के कॉमन, मतलब देखिए ये जो एरिया है ये दोनों भी सर्कल का कॉमन एरिया है, ये रहा 110. अब देखिए हमें चाहिए सिर्फ R वाले स्टूडेंट, मतलब जिनको सिर्फ स्काई सॉरी रॉक क्लाइंबिंग पसंद है. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है? तो देखिए ये 130 यहाँ पे दिया है, पर ये नहीं कहा है कि ये इन स्टूडेंट्स को सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है. नहीं, इन 130 में से 130 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको स्काई वॉचिंग भी पसंद है, जिनकी हॉबी स्काई वॉचिंग भी है. पर हमें क्या चाहिए, ओनली रॉक क्लाइंबिंग वाले स्टूडेंट. तो क्या करेंगे, 130 में से इस 110 को हम लोग माइनस करेंगे. तो 130 में से अगर हम लोग 110 माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा, देखिए 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0. मतलब सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है. वैसे ही स्काई वॉचिंग का होगा. देखिए ये कहा गया है कि स्काई वॉचिंग पसंद, स्काई वॉचिंग हॉबी वाले स्टूडेंट कितने हैं, 180. पर सिर्फ इन 180 को सिर्फ स्काई वॉचिंग हॉबी है ऐसे नहीं बोला गया है. इन 180 में 110 ऐसे हैं कि जिनको रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है, पर हमें सिर्फ स्काई वॉचिंग वाले स्टूडेंट्स चाहिए. तो स्काई वॉचिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 180 में से जिनको रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है ऐसे 110 माइनस करने पड़ेंगे. तो 180 माइनस 110 कितना होगा, देखिए 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 1 7, 1 माइनस 1 0. मतलब 70 स्टूडेंट है कि जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है, 20 स्टूडेंट है कि जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है. आंसर्स हमें मिल गए हैं, पर अब हमें इन्हें राइट करना है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वन बाय वन राइट करते जाएंगे. फर्स्ट क्या बोला गया है, देखिए देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ टू हैबिट. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनकी इन दोनों में से एक भी हॉबी नहीं है? तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दोनों भी हॉबी होने वाले ऐसे स्टूडेंट्स की क्वांटिटी हमें फाइंड करनी पड़ेगी कि जिनकी दोनों भी हॉबीज हैं. तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला कौन सा है, नंबर ऑफ आर यूनियन एस, राइट? दोनों भी स्टूडेंट, दोनों भी हॉबीज, दोनों भी हॉबीज जिनकी है ऐसे स्टूडेंट्स, तो क्या करना पड़ेगा, आर हॉबीज के स्टूडेंट्स मतलब रॉक क्लाइंबिंग वाले स्टूडेंट एंड स्काई वॉचिंग हॉबी वाले स्टूडेंट दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट? मतलब यूनियन बनाना पड़ेगा. तो यूनियन का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ आर यूनियन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस. ये फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, बस अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ द सेट, सेट के नेम वाइज बस फॉर्मूलाज में ये आर एस बदलते जाएंगे. जैसे लास्ट सम में हमने ई एंड एम कंसिडर किया था, जब हमने इंट्रोडक्शन वाला फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें सेट के नेम ए और बी कंसिडर किए थे. ओके, नंबर ऑफ आर कितना है, 130. नंबर ऑफ आर यूनियन एस प्लस नंबर ऑफ एस कितना है, 180.
एंड माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस कितना है, 110। ओके चलिए अब इनकी इन दोनों की एडिशन करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं। देखिए 130 प्लस 180, राइट ना, 130 प्लस 180 इनको हमें ऐड करना है। 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 8 11, 1 विल गो फॉर कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, ये रहे 310। ओके अब इस 310 में से ये 110 माइनस करने हैं तो क्या होगा, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2। तो देखिए नंबर ऑफ आर यूनियन एस क्या हुआ, 200, राइट। देखिए इन दोनों की एडिशन माइनस ये कितना मिला, 200। तो देखिए दोनों भी हॉबीज हैं, दोनों भी मतलब दोनों में से एक या दोनों भी हॉबीज है, ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं, 200। मतलब हॉबीज जिनकी है ऐसे स्टूडेंट्स है 200। अब हमें ये फाइंड करना है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी इन दोनों में से एक भी हॉबी नहीं है, तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से आर यूनियन एस वाले हम लोग माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव एनी ऑफ टू हैबिट्स, करना पड़ेगा नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ आर यूनियन एस। ऐसा क्यों, देखिए आर यूनियन एस में ये जो 200 स्टूडेंट्स है आर यूनियन एस, इसमें ऐसे स्टूडेंट्स है इन, तो ये 200 में ऐसे है कि मतलब इनको एक तो दोनों भी हॉबीज है या फिर दोनों में से एक है, राइट मतलब एक तो वो स्काई वॉचिंग पसंद करते हैं या फिर रॉक क्लाइंबिंग पसंद करते हैं या फिर दोनों भी पसंद करते हैं, तो इसमें ये सारे आ गए, दोनों हॉबीज वाले भी आ गए या फिर दोनों में से एक वाले भी आ गए। पर हमें क्या फाइंड करना है, ऐसे नंबर ऐसे स्टूडेंट मतलब नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट कि जिनकी इन दोनों में से एक भी हॉबी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से इनको माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट जो बचेंगे वो रहेंगे कि इनको इन वो स्टूडेंट्स होंगे कि जिनको इन दोनों में से एक भी हॉबी नहीं है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 220 माइनस नंबर ऑफ आर यूनियन एस कितना है, 200 इज इक्वल टू कितना हुआ, 20। 220 माइनस 200 कितना हुआ, 20। मतलब 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी इन दोनों में से एक भी हॉबी नहीं है, जिनकी हॉबी ना तो स्काई वॉचिंग है ना तो रॉक क्लाइंबिंग है, पर तीसरी कोई हॉबी हो सकती है। ओके आफ्टर दैट देखिए सेकंड हमें क्या पूछा गया है, सी सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं कि जिनकी हॉबी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है। तो इसके लिए तो बहुत आसान है, ये तो हमने यहाँ पे ही किया था, रॉक क्लाइंबिंग में से जो यूनियन है सॉरी इंटरसेक्शन है उनको माइनस करेंगे, जो यहाँ पे किया था बस उसी को वहां पे राइट करना है। तो चलिए यहाँ पे राइट करते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट्स हैव हॉबी रॉक क्लाइंबिंग ओनली,
तो क्या होगा, रॉक क्लाइंबिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से हम लोग आर इंटरसेक्शन एस, मतलब रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों भी पसंद होने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके नंबर्स माइनस कर देंगे. तो माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस. तो देखिए नंबर ऑफ आर कितना है, नंबर ऑफ आर है 130 माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस कितना है, वो है 110 इज इक्वल टू, देखिए 130 माइनस 110 कितना हुआ 20. तो देखिए 20 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है. एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग हॉबी है. तो देखिए स्काई वॉचिंग हॉबी में से इंटरसेक्शन दोनों के कॉमन वाले जो स्टूडेंट हैं उनको माइनस कर देंगे, तो हमें ऑटोमेटिक बस वो स्टूडेंट, वो उन स्टूडेंट्स की नंबर मिलेंगे जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग हॉबी है. तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव हॉबी स्काई वॉचिंग ओनली. ओके, तो क्या है नंबर ऑफ एस, ऐसे स्टूडेंट जिनकी हॉबी है स्काई वॉचिंग उसमें से माइनस करेंगे आर इंटरसेक्शन एस, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स की जिनको स्काई वॉचिंग एज वेल एज रॉक क्लाइंबिंग हॉबी है. तो नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, तो देखिए नंबर ऑफ एस क्या है, नंबर ऑफ एस दिया गया है 180 माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस दिया गया है 110. अब देखिए इनको माइनस करते हैं, 180 माइनस 110 जो हमने यहाँ पे माइनस किया था वो है 70. तो 70 स्टूडेंट है कि जिनकी हॉबी है सिर्फ स्काई वॉचिंग. तो ये रहा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एट द एंड आप चाहे तो राइट कर सकते हो, मेरे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं नीचे राइट करती हूँ. देखिए यहाँ पे एंड में आपको फिर से राइट करना होता है, द स्टूडेंट हु डू नॉट हैव हॉबी, हु डू नॉट हैव एनी हॉबी do not have any of two hobbies is कितना है वो 20. ऐसे स्टूडेंट्स की जिनको एक भी हॉबी नहीं है इन दोनों में से वो है 20. उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have hobby rock climbing only is 20. और ऐसे ही अभी मेरा बोर्ड खत्म हो गया है, तो ऐसे ही आप ये थर्ड का भी राइट कर सकते हो, the number of students have a hobby sky watching only is 70. आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे. थैंक यू वेरी मच.